बात हरियाणा की राजनीति की, जहां खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आएगा। हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस ला रही है अविश्वास प्रस्ताव और किसान आंदोलन के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। बीजेपी जेजेपी कांग्रेस ने विधायकों को व्हिप जारी किया है आज के लिए सदन में उपस्थित रहने का। अब देखना होगा कि क्या जो अविश्वास प्रस्ताव लाएगी उस पर खट्टर सरकार की अग्नि परीक्षा में वो पास होते हैं या फेल होते हैं। हरियाणा में खट्टर सरकार के सामने आज अग्नि परीक्षा का दिन है और विधानसभा में कांग्रेस मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ ये प्रस्ताव लाने वाली है। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा में सियासी हलचल तेज हो गई है। किसान आंदोलन के मुद्दे पर आज विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस खट्टर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। निर्णय लिया था कि ये जो प्रस्ताव है इसके ऊपर 10 मार्च को हम चर्चा करेंगे, तो कल सुबह पहले एक घंटा प्रश्नकाल के पश्चात अविश्वास प्रस्ताव जो है उसके समर्थन में कम से कम 18 जो विधायक हैं खड़े होकर के उसका समर्थन करेंगे, तो वो अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा होगी। और 2 घंटे का समय हमने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए दिया है और 2 घंटे के पश्चात उस पर वोटिंग होगी और मैं समझता हूँ कि वोटिंग के पश्चात निर्णय हो जाए। अविश्वास प्रस्ताव पर विधानसभा में करीब 2 घंटे तक बहस होगी। इसके बाद हेड काउंट के माध्यम से वोटिंग की जाएगी। प्रस्ताव से पहले बीजेपी जेजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने विधायकों को व्हिप जारी कर हर हाल में अपने साथ रखने की कोशिश की है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो अभी बीजेपी जेजेपी गठबंधन काफी मजबूत हालत में दिखाई दे रहा है। हरियाणा विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं, इनमें मौजूदा विधायकों की तादाद 88 है। विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के पास 40 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं। जेजेपी के विधायकों की तादाद 10 है, जबकि निर्दलीय विधायकों की संख्या 7 है। वहीं हरियाणा लोकहित पार्टी के पाले में 1 सीट है। हरियाणा लोकहित पार्टी ने खट्टर सरकार को समर्थन दिया है, वहीं 7 में से 5 विधायक बीजेपी के पाले में हैं। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में किसान संगठनों के कड़े तेवर के बाद हरियाणा में बीजेपी सरकार को समर्थन दे रही जेजेपी और निर्दलीय विधायकों पर बड़ा दबाव है। बीजेपी के नेता देवेंद्र बबली बोलकर गए हैं कि जेजेपी साथ ही छोड़ दे, वो मान नहीं रहे, वो कह रहे दुष्यंत चौटाला फिर भी सरकार में रहना चाहते हैं। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को नसीहत दी है कि जितना जल्दी साथ छोड़ देंगे सरकार का सही रहेगा, लेकिन मजबूरी है व्हिप के साथ चलना पड़ेगा। उन्होंने ये कहा ऐसा है कि ये तो मैं पहले बता चुका हूँ, हर आदमी का अपने बुद्धि विवेक से काम करता है। हमारे आत्मा मानिए कि जिस सरकार के अंदर किसान भाइयों के साथ जुल्म होते हैं, वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, पहले किसान हूँ, और मेरे लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डरी ज़्यादा है कि मैं खप का प्रधान भी हूँ और निर्दलीय लोगों ने बढ़ा रखा है, तो मेरा धर्म भी है कि मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूँ, किसान भाइयों के साथ तन से मन से धन से साथ हूँ। खबरों के मुताबिक जेजेपी के कुछ विधायकों ने कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में हरियाणा की खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने की अपील की है। इन विधायकों का कहना है कि हरियाणा सरकार को किसानों की बात सुननी चाहिए। टीम न्यूज़ नेशन।